और दो ईद के बस नहीं हो रहे, और एक ईद का रहा तो बेहतर था बोलकर शफी पाशा साहब के क़यादत में सब लोग आके मिले थे। शहर करनूल में एक नए ईदिया की मांग करते हुए अहले सुन्नत वल जमात कमेटी करनूल के सेक्रेटरी सैयद शाह शफी पाशा खादरी ने चंद रोज़ पहले करनूल एमएलए हफीज़ खान को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसके जवाब में कल बरोज़ इतवार 14 फरवरी 2021 को करनूल एमएलए हफीज़ खान ने नए ईदगाह की मांग करते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा, एपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वक्फ बोर्ड को लेटर लिखते हुए कहा कि शहर करनूल में दो ईदगाहों में ईदेन की नमाज के लिए नमाजियों को जगह कम पड़ रही है, इसलिए शहर करनूल में एक नए ईदगाह की सख्त से सख्त ज़रूरत है। करनूल के अहले सुन्नतुल जमात की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक ईदगाह की जगह होना, क्योंकि करनूल का पॉपुलेशन पहले से बढ़ रहा एंड सिटी जो है बहुत बड़ा हो रहा, और दो ईद के बस नहीं हो रहे, और एक ईदगाह रहा तो बेहतर था बोलकर शफी पाशा साहब के क़यादत में सब लोग आके मिले थे। तो मेरे तरफ से जो है अभी CEO वक्फ बोर्ड को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज वेलफेयर इलियास रिज़वी साहब के नाम पे जो है लेटर लिखा हूँ। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, मेरे तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग सबका भी दुआ रहेंगी और आप लोगों का सबका ताउन रहेगा, तो ज़रूर जो है ये चीज़ इंशाल्लाह कामयाबी। पाशा खादरी बात कर रहा हूँ, अहले सुन्नत वल जमात के लिए जो है ईदगाह का हम मेमोरेंडम दिए थे MLA साहब को, अब्दुल हफीज़ खान साहब को, आपने अच्छी बात है कहा। उसके बाद जो है एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक CEO साहब को जो है लेटर दिए हैं, आज भी कर रहे हैं, कोशिश भी करता हूँ, बल्कि जो है बोले हैं इनकी कोशिशों से इंशाल्लाह MLA साहब की जो है हमें जगह मिलेंगी ईदगाह के लिए। तमाम मैं OSR पार्टी को और हमारे MLA साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये जो बोले थे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कोशिश भी कर रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।